पार्टीशन ऑफ इंटरवल एबी। बाई ए पार्टीशन, बाई अ पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी वी मीन ए फाइनाइट सेट पी ऑफ पॉइंट्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन वेयर ए इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एंड सो ऑन अप टू एक्स एन which is equal to b. We denote by del xi xi minus 1 where I is varying from 1 to n. ठीक है, तो पार्टीशन का मतलब क्या हुआ? पार्टीशन का मतलब हुआ कि पूरे इंटरवल जो हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये रियल लाइन है, इस रियल लाइन में हमने एक इंटरवल लिया है ए बी, इस पूरे इंटरवल में बीच में कुछ पॉइंट्स को चुन लेना। तो ए को हमने नाम दे दिया एक्स नॉट, फिर उसके बाद कुछ एक्स वन लिया, फिर एक्स टू लिया, फिर एक्स थ्री लिया, और इस तरह से चुनते हुए एक्स एन माइनस वन यहाँ पे होगा और इसको नाम दे दिया एक्स एन। सो ये जो बीच में पॉइंट्स को चुना हमने, इसी को बोल रहे हैं पार्टीशन। ठीक है, और ये जो एक एक हिस्से की जो लेंथ है, इसको हम लोग ने डेल्टा एक्स आई का नाम दिया। तो ये क्या है, एक्स थ्री माइनस एक्स टू है, तो ये हो गया एक्स थ्री हो गया। इस पूरी लेंथ को हम लोग डेल एक्स थ्री बोल देंगे, इस पूरी लेंथ को हम लोग बोल देंगे डेल एक्स टू, डेल एक्स वन एंड सो ऑन। ये है डेल एक्स वन एंड सो ऑन। सो इसी तरह ये हो गई लेंथ डेल एक्स एन, इस लेंथ का नाम हो गया डेल एक्स। ठीक है, सो पार्टीशन जब भी हम बोलेंगे उसका मतलब यही है। यूजुअली हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पी एक पार्टीशन है इंटरवल का, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं पी ए इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड लेस देन इक्वल टू एक्स वन एक्स एन इज इक्वल टू बी। सो हम लोग बी को ए से बड़ा ले रहे हैं। चलिए, अब मान लीजिए कोई फंक्शन है जो कि इस इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है। सो लेट एफ बी अ बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन on closed interval AB. मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, रियल वैल्यूड है और क्लोज इंटरवल AB पे डिफाइन है। तो बाउंडेड अगर फंक्शन है, इसका मतलब कि क्लोज इंटरवल AB के अंदर फंक्शन का अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। बाउंडेड का मतलब अपर, ऊपर से भी बाउंडेड है और नीचे से भी बाउंड उसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर पूरे इंटरवल ए बी पे बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब अगर उस पर कोई पार्टीशन हम पी ले लेंगे, तो उस पार्टीशन में जो छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे पार्टीशन लिया तो ये छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं, इन टुकड़ों पे भी बाउंड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल फंक्शन बाउंडेड है पूरे इंटरवल के ऊपर। तो सपोज P A is equal to x naught, x1 से लेकर xn is equal to B is a partition of AB.
ये मान लीजिए कि एक पार्टीशन है, क्योंकि यह बाउंडेड है इसलिए हम लोग सुप्रीमम वैल्यू की बात कर सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ व्हाट, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई, यानी हर एक टुकड़े पर उसकी जो सुप्रीमम वैल्यू आई उसको हमने कैपिटल एम आई से डिनोट किया, और हर एक टुकड़े पर जो इन्फिनिमम वैल्यू आएगी, सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि बाउंडेड है तो लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा, तो हमने सुप्रीमम वैल्यू ले ली, उसको कैपिटल एम आई से डिनोट किया, आई वेरी कर रहा है वन से लेकर एन तक, और इसी तरह से इन्फिनिमम वैल्यू ली एम आई, स्मॉल एम आई से उसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई, सो लाइक दिस वी कैन डू, ठीक है, वेयर आई इज वेरिंग फ्रॉम, आई इज वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, ठीक है। चलिए अब फिर एक और चीज डिफाइन करते हैं, डिफाइन अपर सम, इसको हम लोग डिनोट करेंगे यू पी एफ से, यू पी एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा ये अपर सम, फंक्शन पे डिपेंड करेगा और उसके पार्टीशन जो हमने लिया है उस पे डिपेंड करेगा, एंड व्हाट इज दिस अपर सम, दिस इज समेशन एम आई डेल एक्स आई, आई इज वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, इसको हम लोग अपर सम कह रहे हैं, और इसी तरह से हम लोग लोअर सम डिफाइन करेंगे, लोअर सम इसको हम लोग कह रहे हैं एल पी एफ, एल फॉर लोअर, एल पी एफ इसको हम नाम दे रहे हैं, और इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं समेशन एम आई डेल एक्स आई, आई इज वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, तो ये लोअर सम किस पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, पार्टीशन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं लोअर सम यूपीएफ ऑफ एफ करिस्पॉन्डिंग टू टू पी, इसी तरह अपर सम ऑफ एफ करिस्पॉन्डिंग टू पी, एंड दिस इज लोअर सम ऑफ एफ करिस्पॉन्डिंग टू corresponding to P, ठीक, तो ये दोनों क्या है, P पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमने माना हुआ है कि फंक्शन बाउंडेड है, तो हम लोग एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड भी चुन सकते हैं फंक्शन का, सो सपोज M इज लोअर बाउंड, एम इज अ लोअर बाउंड कर लेते हैं, बहुत सारे लोअर बाउंड हो सकते हैं, कोई एक लोअर बाउंड हमने लिया ऑफ एफ ऑन ए बी, एंड कैपिटल एम इज एन अपर बाउंड ऑफ एफ ऑन ए बी, ठीक है, जितना हम लोग किया किए हैं अभी तक उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है आपको, do you want to ask anything? Sir, yes. एक बार और explain कर दीजिए। अच्छा ठीक है, बताते फिर से बता दो, देखिए चलिए हमने क्या किया, फिर से देखिए एक बार, हमने एक इंटरवल लिया क्लोज इंटरवल ए बी, और उस इंटरवल के ऊपर कुछ पॉइंट्स को चूज किया, जैसे मन होता है वैसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इक्वी डिस्टेंस पॉइंट हो, बराबर दूरी पे ही पॉइंट्स को लें, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ पॉइंट्स बीच में चूज किया,
जिसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है और जो लास्ट पॉइंट है वो बी है, और बीच में कुछ और पॉइंट चूज किए। तो इस तरह से पॉइंट को चूज करने करने को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन करना, और जो पॉइंट हमने चूज किया उसको बोलते हैं पार्टीशन। पार्टीशन करने के बाद हम लोग ने, हमको छोटे छोटे इंटरवल इसके अंदर मिल गए, जैसे x0 से x1, x1 से x2 एंड सो ऑन। यहाँ पे x1 लिखना चाहिए, x1, x1 से x2, x2 से x3 एंड सो ऑन। इन इंटरवल्स की जो लंबाई है उसको हम लोग डेल xi से डिनोट कर रहे हैं, एंड दैट इज डिफाइंड एज xi माइनस वन। तो इस तरह से हम लोग ने पार्टीशन किया, और पार्टीशन करने के बाद डेल xi से डिनोट किया जो छोटे छोटे इंटरवल मिले उसकी लंबाई। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है और रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन समझ रहे हैं आप, यानी क्लोज इंटरवल ए बी से आर में कोई फंक्शन है और वो फंक्शन बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब हुआ कि उसकी वैल्यू जो है बाउंडेड है, उसका जो रेंज है वो बाउंडेड, ठीक है। और मान लीजिए कि पी हमने कोई पार्टीशन किया, तो क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है और हमने ये पार्टीशन किया तो छोटे छोटे जो टुकड़े हुए उन टुकड़ों में भी वो बाउंडेड होगा। सो एक एक टुकड़े पर यानी एक्स आई माइनस वन और एक्स आई इंटरवल पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसमें से उसका जो सुप्रीमम है उसको हम लोग कैपिटल एम आई से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से इस हर एक टुकड़े पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसका जो इन्फिनिमम है यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसको हम लोग एम आई से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एम आई से, स्मॉल एम आई इसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए हम आपको फिगर बना के बताते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हर एक टुकड़े पर इस तरह का सम किया, यानी जो मैक सुप्रीमम वैल्यू थी और डेल्टा एक्स आई से मल्टीप्लाई किया, यानी उस छोटे वाले इंटरवल पार्टीशन का जो छोटा इंटरवल था आईएथ इंटरवल उसकी जो लेंथ थी उससे मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ भी हम बताते हैं। और फिर इसको कह दिया हमने अपर सम, अपर इसलिए क्योंकि सुप्रीमम वैल्यू के साथ सम था। और फिर हमने डिफाइन किया एलपीएफ लोअर सम, जिसमें हम लोग ने यूज किया स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा एक्स। स्मॉल एम आई क्योंकि इन्फिनिमम वैल्यू थी इसलिए इसको लोअर सम कह रहे हैं, ठीक है। चलिए हम एक बार फिगर से इसको समझा देते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये सपोज करिए फंक्शन का हम ग्राफ बना रहे हैं। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल ए बी से डिफाइंड है और आर में डिफाइंड है, ठीक। फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड होने का मतलब कि इसका कोई अपर बाउंड होगा और लोअर बाउंड होगा। अपर बाउंड का मतलब मान लीजिए कि कैपिटल एम अपर बाउंड है, तो फंक्शन की जो भी वैल्यू है इस कैपिटल एम से नीचे रहेगी, और मान लीजिए कि स्मॉल एम लोअर बाउंड है तो फंक्शन की जो भी वैल्यू है उस स्मॉल एम से ऊपर जाएगी। लोअर बाउंड अपर बाउंड का यही मतलब, ठीक है। तो फंक्शन इसके रेंज में है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में फंक्शन पा रहा है। अब सपोज करिए इंटरवल ए बी हमारा यहाँ पे ए है ये और ये है बी, और ये सपोज करते हैं यहाँ पे कोई फंक्शन बना लेते हैं। सपोज दिस इज आवर फंक्शन, सपोज करिए यहाँ पे हमारा कोई फंक्शन है, ठीक। और हमने ए बी को पार्टीशन कर लिया, तो ए बी को पार्टीशन किया तो ये हो गया एक्स नॉट, फिर आया एक्स वन, फिर आया एक्स टू, फिर आया एक्स थ्री, और इस तरह से लिखते गए हम। और लिखते लिखते यहाँ पे सपोज करिए एक्स एन माइनस वन हो गया और ये एक्स एन हो गया, ठीक। इस तरह से हमने पार्टीशन कर लिया। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक पार्टीशन पर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को देख रहे हैं। जैसे सपोज करिए हमने ये पार्टीशन लिया x1 एंड x2 के बीच में, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अगर इस ग्राफ से हम देखें, क्योंकि हमने जिस तरह से ग्राफ बनाया है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू ये वाली हो गई, ये वैल्यू मिनिमम है फंक्शन की। डू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये वाली वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। यहां से देखने से लग रहा है ना ये मिनिमम है और ऊपर वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पे। इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया एम आई, क्योंकि इंटरवल है एक्स वन एक्स टू
तो इसको हम क्या देंगे, M2 नाम देंगे, M2। और जो बड़ी वाली वैल्यू आई उसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, कैपिटल M2। इस तरह से हर इंटरवल पर स्मॉल M1, स्मॉल M1, कैपिटल M1 या स्मॉल MI, कैपिटल MI हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो लोअर सम डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, लोअर सम में जो छोटी वाली वैल्यू थी उसको, छोटी वाली वैल्यू क्या हो गई, यानी इतना बड़ा छोटी वाली वैल्यू ये हाइट हो गई इससे, और डेल एक्स आई मतलब X2 माइनस X1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब इस छोटे से ब्लॉक के ऊपर ये जो एरिया आ रहा है उसको हमने कैलकुलेट किया, इस एरिया को कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या किया, X3 के लिए किया, और यहां पर भी हमने छोटी वैल्यू ली, छोटी वाली वैल्यू यहां पे आ गई मान लीजिए मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू से लेंथ ऑफ द इंटरवल से मल्टीप्लाई किया, यानी इस एरिया को कैलकुलेट किया। तो ये जो लोअर सम आ रहा है एक्चुअल में फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू थी उससे जो रेक्टेंगल बना एक एक पार्टीशन पे, उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा है, ठीक है ना। आगे भी पार्टीशन हो रहा है इस तरह से, और जो मिनिमम वैल्यू है उससे एक रेक्टेंगल बनेगा और उस रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाल रहा है। सो लोअर सम क्या दे रहा है, इस मिनिमम वैल्यू से जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उनका एरिया दे रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यस सर। सर यहाँ पे तो ऊपर वाला पार्ट रहता है तो इसका एरिया भी तो कैलकुलेट करना होगा ना। हाँ, जो ऊपर वाला हिस्सा है M2, कैपिटल M2, उससे जो एरिया मिलेगा उसको हम लोग कह रहे हैं UPF। स्मॉल वाले से जो एरिया मिला छोटे वाले से वो क्या है, LPF। ये सबको हम सम जब कर देंगे, ये छोटे वाले इन सबको सम करेंगे तो जो हमको मिलेगा वो मिलेगा LPF, लोअर सम। और ये सम पार्टीशन पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि पार्टीशन बदलेंगे तो सम बदल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए UPF बनाते हैं फिर से एक बार फिगर को। ये हमने ड्रॉ किया, ये इंटरवल ए लिया और ये बी लिया, और इस इंटरवल के ऊपर फिर से हम फंक्शन ड्रॉ करते हैं। पहले पार्टीशन करेंगे, सो पार्टीशन किया हमने X0, X1, X2, और इस तरह से करते हुए Xn-1 एंड Xn, ठीक। और फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन ड्रॉ कर लिया। फंक्शन ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, X1 और X2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू देखा हमने, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखा, मैक्सिमम वैल्यू ये मिली हमको यहाँ पे, M2 नाम दिया इसको। फिर इसी तरह X2 से बाद X3 पे गए, यहाँ पे वैल्यू देखा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एक मिलेगी, उस मैक्सिमम वैल्यू को M3 नाम दिया। ये देखने से लग रहा है कि ये वैल्यू मैक्सिमम है, ये वैल्यू हो गई M3, ठीक है ना। इसी तरह से M4 एंड सो ऑन, ये वैल्यू मिलती गई। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम जो ये वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटरवल की लेंथ से। तो जैसे यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया मैक्सिमम वैल्यू को इंटरवल की लेंथ से, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बना, ये रेक्टेंगल बना, ये रेक्टेंगल का एरिया बना, ये एरिया बना, ठीक है। इसी तरह से दूसरी जब मैक्सिमम वैल्यू लिया हमने M3 और उसको इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया बन गया। उसी तरह से यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो लिया हमने और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एरिया बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं तो क्या होता है कि जो फंक्शन का एक्चुअल में इस ग्राफ के अंदर जितना एरिया आ रहा है, तो ये जो लोअर सम होता है LPF वो उस एरिया से कम एरिया देता है, और एक्चुअल में जो फंक्शन के जो ग्राफ है उसके अंदर जो एरिया आ रहा है अपर सम जो होता है उससे ज्यादा एरिया दे देता है। बात समझ में आ रही है? अपर सम में क्या होता है, जो एक्चुअल फंक्शन के एरिया है उससे एरिया से ज्यादा सम निकल के आता है वैल्यू, और लोअर सम में क्या होता है, जो फंक्शन का एक्चुअल एरिया है उससे कम सम निकल के आता है, ठीक है ना।
और अगर हम पूरे इंटरवल के ऊपर देखें, इस पूरे इंटरवल के ऊपर ये स्मॉल m को लेके बात करें और कैपिटल m को लेके बात करें, तो अगर पूरे कैपिटल m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकलेगा कैपिटल m के अंदर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्मॉल m है वो हर एक mi से छोटा है, और हर एक mi क्या है, कैपिटल mi से छोटा है, और जो कैपिटल एम आई है वो एम से छोटा है। एम तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी ना। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यस सर। अब देखो, एंड दिस आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल आई। इसमें क्या करते हैं, हम डेल एक्स आई से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम डेल एक्स आई, एम आई डेल एक्स आई, कैपिटल एम आई डेल एक्स आई एंड एम डेल एक्स आई, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। हर एक आई के लिए ऐसा हो, तो क्यों ना हर आई के लिए इसको सम कर दें, सम कर लेते हैं। सो समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, एम डेल एक्स आई लेस देन इक्वल टू समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n एम आई डेल एक्स आई लेस देन इक्वल टू समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n एम आई डेल एक्स आई लेस देन इक्वल टू समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n एम डेल एक्स आई। सो वी कैन सम इट। ठीक है, अब देखो पहला वाला सम में क्या है, एम फिक्स है, डेल एक्स आई वेरी कर रहा है, तो सारे इंटरवल पे जब हम xi माइनस वन सम करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा, b माइनस ए मिलेगा, m टाइम्स b माइनस ए। ये जो आइडेंटिटी लिखी है इसी को तो हम लोग LPF बोल रहे हैं, सो इसको हम लोग नाम दे दिए LPF। फिर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको हम लोग UPF नाम दे रहे हैं, तो इसको हमने UPF बोल दिया। फिर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ये इसको तो हम लोग ने नाम नहीं दिया है, कैपिटल एम लेकिन कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर सकते हैं, और फिर सब इंटरवल का सम करेंगे तो बी माइनस ए मिलेगा। सो दिस स्थिति, तो इसका मतलब ये जो लोअर सम होता है, जो कि हम लोग ने अभी फिगर से भी देखा, लोअर सम की वैल्यू अपर सम की वैल्यू से कम होती है हमेशा। लोअर सम की वैल्यू क्या होती है, अपर सम की वैल्यू से हमेशा कम होती है। चलिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, मेस, एम ई एस एच, या इसको नॉर्म भी बोलते हैं। हम अभी जो कर रहे हैं वो एक्चुअल में हम एससी मलिक की बुक फॉलो कर रहे हैं, मलिक एंड अरोरा की। सो आप लोग इस बुक से देख सकते हैं, चैप्टर 9 है इसका, मलिक एंड अरोरा, आल्सो एससी मलिक एंड सविता अरोरा की बुक से हम इसको कर रहे हैं। चैप्टर 9 में आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, और भी किताबों में मिल जाएगी। चलिए हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, मेस या नॉर्म। फॉर एनी पार्टीशन पी, एनी पार्टीशन P, the length of the largest subinterval is called the norm और मिस ऑफ द पार्टीशन। एंड इट इज डिनोटेड एज, डिनोटेड एज म्यूपी। सो क्या हो गया म्यूपी का मतलब, म्यूपी सिंपली मीन्स दैट म्यूपी इज डिफाइंड एज मैक्सिमम ऑफ
del x i where i is varying from 1 to n, यानी जितने पार्टीशन हमने लिया पॉइंट्स जो चूज किए उसमें सब में उसके बाद वाले पॉइंट से जो डिफरेंस आया उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उसी को हम लोग कह रहे हैं म्यू पी, ठीक है, लार्जेस्ट सब इंटरवल, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब इंटरवल। इसके बाद एक और टर्म डिफाइन कर रहे हैं रिफाइनमेंट, सो लेट अस डिफाइन रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट ए पार्टीशन पी स्टार इज सेट टू बी अ रिफाइनमेंट ऑफ पी इफ पी स्टार कंटेन्स पी, that is every point of P is a point of P star, ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कि हमने ये इंटरवल लिया है भी ए भी एक इंटरवल लिया और इसमें एक पार्टीशन जैसे हम लोग पहले लिए थे एक पार्टीशन लिया x नॉट x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn, ठीक है, तो ये एक पार्टीशन लिया इसको हम लोग ने p नाम दे दिया, तो p स्टार क्या हुआ, p स्टार मतलब इसका सुपरसेट, किसका सुपरसेट, इन पॉइंट्स का सुपरसेट, इसका मतलब इन पॉइंट्स के अलावा बीच में कुछ और पॉइंट्स अगर हम डाल दें, एक पॉइंट भी और डाल दें तो क्या होगा, सेट बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पार्टीशन जो नया मिलेगा वो पुराने पार्टीशन को कंटेन करता होगा, तो उस नए पार्टीशन को हम लोग बोलेंगे उस पुराने पार्टीशन का रिफाइनमेंट है, इसको कुछ लोग बोलते हैं फाइनर भी बोलते हैं, क्यों फाइनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब जो दूरी थी और कम हो गई पॉइंट्स के बीच में, जो इंटरवल थे वो और छोटे हो गए और फाइनर बोलते हैं उसको, फाइनर हो गए, बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए अब देखते हैं ये जो फाइनर हमने किया पी स्टार रिफाइनमेंट किया, अगर हम पार्टीशन को फाइनर कर देंगे तो ये लोअर सम और अपर सम में क्या फर्क पड़ता है, सो सपोज पी स्टार P star is refinement of P, यानी P star में क्या है ज्यादा पॉइंट, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम एक लोअर सम निकालें P star F और एक लोअर सम निकालें LPF तो दोनों में क्या संबंध होगा, ठीक है, तो चलिए फिगर से हम इसको समझते हैं क्या फर्क होगा, मान लीजिए कि ये इंटरवल हमारा ए बी है और इस ए बी इंटरवल में ये फंक्शन हमने ड्रॉ कर दिया, और सपोज करिए यहां पे हमने ये लिया एक्स आई माइनस वन और यहां पे है एक्स आई, मान लीजिए एक पार्टीशन, तो एक एक टुकड़े पे समझने की कोशिश करते हैं तो सब पूरे पे समझ में आ जाएगा, इस टुकड़े पर तो ये पार्टीशन P का था, P को हमने मान लिया A नॉट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू X नॉट X1 X2 XI माइनस वन और XI प्लस वन XI एंड सो ऑन चलते हुए XN इज इक्वल टू B तक हमने पहुंचा, ठीक है, ये P था, तो इस P पार्टीशन पे जब हम लोग LPF निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे मतलब इनफिनिमम वैल्यू लेंगे स्मॉल एम आई और इस स्मॉल एम आई से हम एक ट्रायंगल बना देंगे, तो छोटी वैल्यू आपको यहाँ फिगर देखने से ये लग रही है, तो ये वैल्यू हो गई एम आई और इस एम आई से हमने ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल का एरिया लिया, हर पार्टीशन पे यही काम किया हम लोग ने, ठीक है ना,
हर पार्टीशन पे इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, उसका एरिया लिया, इस ट्रायंगल का एरिया। अब सपोज करिए हमने इस पार्टीशन को फाइनर कर दिया। फाइनर करने का क्या मतलब हुआ, ये जो पॉइंट्स हमको मिले xi माइनस वन एंड xi, इनके बीच में एक और पॉइंट डाल दिया तो फाइनर हो जाएगा। तो सपोज करिए ये जो p पार्टीशन हमने लिया, p पार्टीशन की बात हमने p स्टार पार्टीशन लिया, और इस p स्टार पार्टीशन में इन दो पॉइंट्स के बीच में हमने एक और पॉइंट डाल दिया xi माइनस वन, और सपोज करिए यहाँ पे एक y डाल दिया और यहाँ पे xi आ गया। ठीक है, तो इसको फाइनर कर दिया हमने थोड़ा सा, तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट आ गया जिसका नाम हमने दिया y। मान लीजिए ये पॉइंट y आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा y पॉइंट को डालने के बाद। जैसे हम y पॉइंट डालेंगे, क्योंकि पार्टीशन टूट गया यहाँ पे, तो यहां से एक और लाइन हमने खींच ली, और अब इस xi माइनस वन और y के बीच में हम देखेंगे कौन सा मिनिमम है। तो मिनिमम यही लग रहा है हमको, तो यहाँ पे जब हमने मिनिमम देखा तो हमको इस मिनिमम के लिए हमने ये एरिया निकाला, लोअर सम के लिए यहाँ पे ये एरिया निकाला। ठीक, एग्री कर रहे हो इस पॉइंट पे, ये एक एरिया हुआ, और इसके बाद वाला जो पार्टीशन था उस पे भी मिनिमम देखेंगे और उस पे भी एरिया निकालेंगे। तो उसके बाद वाले हिस्से पे जब हम मिनिमम देख रहे हैं तो वो मिनिमम कौन सा लग रहा है, ये मिनिमम लग रहा है ना, y से लेकर xi के बीच में मिनिमम वैल्यू ये दिख रही है हमको फिगर से। तो अब हम ये पूरा एरिया निकालेंगे, तो चलिए हम लोग इस एरिया को निकालते हैं। अब हमारे लिए जो एरिया आया वो ये आया। तो आप बता सकते हैं कि अगर हम पार्टीशन को रिफाइन करेंगे तो LPF की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, नए पार्टीशन में लोअर सम ज्यादा आया कि या कम आया? ज्यादा आएगा, ज्यादा आया ना, ये जो पीला वाला हिस्सा दिख रहा है इतना ज्यादा है ये। सो जैसे जैसे अगर हम रिफाइन करेंगे तो लोअर सम क्या होगा, बढ़ेगा। सो जैसे जैसे हम रिफाइन करेंगे दिस वैल्यू ऑफ लोअर सम विल इंक्रीज, सो वी कैन से दैट दिस विल ग्रेटर देन इक्वल टू LPF। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे पार्टीशन हम रिफाइन करेंगे जो लोअर सम की वैल्यू है वो कर्व का जो एरिया है उसके पास पहुंचती जाएगी, कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसके पास पहुंचेगी, है ना। वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करेगी पार्टीशन रिफाइन करने पर, और जो कर्व का एक्चुअल एरिया है उससे अप्रोच करने लगेगी। इसी तरह चलिए अपर सम को भी समझ लेते हैं। आप लोग का क्लास तो नहीं है 11 बजे? अच्छा चलिए, इसको हम आपके लिए एक्सरसाइज की तरह शो दैट, इसी तरह से फिगर से आप देख सकते हैं, शो दैट यू पी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ। यानी अगर हम अपर सम देखेंगे तो अपर सम घटेगा। अपर सम में क्या होता था, अपर सम में हम लोग पूरा एरिया लेते थे। जैसे अपर सम मान लीजिए ये मैक्सिमम वैल्यू आई, तो जब हम अपर सम निकालेंगे तो ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। लेकिन जैसे ही उसको हम दो हिस्से में पार्टीशन करेंगे तो दोनों में जो छोटी वाली बड़ी वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब पहले जो वैल्यू आई थी उससे कम वैल्यू आएगी, इतना हिस्सा माइनस हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा होगा ये वाला हिस्सा चला जाएगा। तो अपर सम क्या होगा, घटेगा, रिफाइनमेंट बढ़ाने पर अपर सम घट जाएगा। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। So if you have any class at 11, then I will stop. Otherwise, I will take just 5 more minutes to you. Sir, कोई क्लास नहीं है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं अपन। Now define. Now define. Upper integral. अपर इंटीग्रल हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग सिंबल से डिनोट करेंगे, ए टू बी
एफ डी एक्स और यहां पे एक बार लगा देते हैं अपर बताने के लिए, ठीक है. हाउ वी आर डिफाइनिंग इज दैट वी आर टेकिंग द इन्फिमम ऑफ यू पी एफ सच दैट पी इज अ पार्टीशन, पी इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी. इन्फिमम क्यों लिया, देखो जैसे जैसे हम पार्टीशन को रिफाइन करेंगे यूपीएफ की वैल्यू क्या होगी, घटेगी. ठीक, तो जो सबसे छोटी वैल्यू यूपीएफ की है इन्फिमम उसमें जो है उसको हम ले रहे हैं अपर इंटीग्रल. लेकिन फिर भी इसको अपर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यूपीएफ जो है हमेशा बड़ा है एलपीएफ से. अब देखो यूपीएफ जो ऊपर वाला सम था वो जैसे जैसे घटेगा उसका एरिया फंक्शन के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसके बराबर होता जाएगा. और एलपीएफ क्या होगा, एलपीएफ धीरे धीरे बढ़ेगा पार्टीशन रिफाइन करने पे, और वो भी अप्रोच करेगा फंक्शन के एक्चुअल एरिया, फंक्शन के ग्राफ के अंदर जो एक्चुअल एरिया आ रहा है उसके लिए. तो हम लोग लोअर इंटीग्रल कैसे डिफाइन करेंगे, लोअर इंटीग्रल हम लोग डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं इंटीग्रल ए टू बी, नहीं नीचे. तो आप यहाँ इक्वल ना भी लगाएं, अपर इंटीग्रल का मतलब ही ये सिंबल है. और ये इसको भी हटा दें यहां से, ये हो गया लोअर इंटीग्रल. एफ ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम, क्यों सुप्रीमम लिया, क्योंकि ये वैल्यू देखिए क्या हो रही थी, एलपीएफ की वैल्यू बढ़ रही थी एलपीएफ, और ये सुप्रीमम किसके ऊपर, सारे पार्टीशन के ऊपर जो एलपीएफ की वैल्यू आ रही है उसका. पी इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, सारे पार्टीशन के ऊपर जो वैल्यू आ रही थी उन सबके ऊपर, ठीक है. इसको बोलते हैं लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल. नोट दैट अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन फंक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ किसी क्लोज इंटरवल ए बी से आर में. सो सपोज एफ इज ए फंक्शन एफ फ्रॉम दिस टू दिस इज ए फंक्शन डिफाइंड एज f of x is equal to 0 if x belongs to q intersection ab and 1 otherwise. ठीक है, मान लीजिए इस तरह से हमने डिफाइन किया, यानी सेंटरवेल में जितने रैशनल पॉइंट्स थे उन पे वैल्यू 0 और बाकी सभी का वैल्यू 1. अब आप इस इंटरवल का कितना भी पार्टीशन कर दीजिए, कैसा भी पार्टीशन ले लीजिए, मान लीजिए ये इंटरवल ए बी है और इसमें कोई भी पार्टीशन हमने कर दिया, एक पार्टीशन हमने यहाँ पे कर दिया, उस पार्टीशन में अगर मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ रैशनल पॉइंट तो आएंगे ही रैशनल डेंसिटी थ्योरम से, और उन पॉइंट्स पे वैल्यू जीरो होगी, तो जब भी आप मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो एम आई क्या आएगा, जीरो आएगा. अच्छा, इसी पार्टीशन में कुछ पॉइंट्स रैशनल भी आएंगे तो उन पे वैल्यू क्या होगी, वन आएगी. तो यानी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बनाएगी और दो ही वैल्यू है फंक्शन की, जीरो या वन. सो मिनिमम वैल्यू जीरो आएगी फॉर ईच पार्टीशन फॉर ऑल आई एंड मैक्सिमम वैल्यू हर पार्टीशन के लिए बनाएगी फॉर ऑल आई. तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी आप एलपीएफ निकालेंगे, एलपीएफ किसी भी पार्टीशन के लिए निकालेंगे तो वो जीरो आएगा फॉर ऑल आई, और जब भी आप यूपीएफ निकालेंगे तो यूपीएफ की डेफिनेशन से क्या होगा, समेशन एम आई डेल एक्स आई, और एम आई की वैल्यू हमेशा वन है तो डेल एक्स आई का सम हो जाएगा, यानी बी माइनस ए. यूपीएफ आएगा बी माइनस ए
फॉर ऑल पार्टीशन, फॉर ऑल पार्टीशन, फॉर ऑल पार्टीशन. तो जब हर पार्टीशन के लिए ऐसा होगा तो अपर इंटीग्रल क्या है, सुप्रीमम और इन्फिमम. जब कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई तो सुप्रीमम और इन्फिमम निकालोगे तो वही वैल्यू रह जाएगी. सो जब आप अपर इंटीग्रल लेंगे ए टू बी एफ डी एक्स, तो इस फंक्शन के लिए अपर इंटीग्रल आ जाएगा बी माइनस ए, और इस फंक्शन के लिए जब आप लोअर इंटीग्रल लेंगे एफ डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो. तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो हमने अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल निकाला है वो हमेशा बराबर है. जैसे इस फंक्शन के लिए बराबर नहीं है, लेकिन जिस फंक्शन के लिए बराबर आता है हम लोग कहते हैं वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है. सो लेट मी डिफाइन रीमान इंटीग्रेबल. We say f is Riemann integrable over interval AB if integral A to B upper integral f dx is same as lower integral. अगर ये बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे रीमान इंटीग्रेबल है, एंड द कॉमन वैल्यू इज डिनोटेड एज, एंड कॉमन वैल्यू इज डिनोटेड एज इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स. इसको हम लोग इससे डिनोट कर देते हैं, दोनों बराबर है तो दोनों की वैल्यू को एक सिंबल ए टू बी एफ डी एक्स से डिनोट कर देंगे, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड the Riemann integral of f and also noted as this. Now a to b f dx is called Riemann integral of f over इंटरवल ए बी. क्योंकि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो इस चीज को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं बाई एफ इन आर ए बी. एक सिंबल है आर ए बी, इसका मतलब रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, सेट ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी. बाई दिस वी मीन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल. रीमान इंटीग्रेबल को सिंपली इंटीग्रेबल भी बोलते हैं, इंटीग्रेबल फंक्शन. रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ठीक है, तो नोटेशन है. कुछ लोग इसको आर ए बी लिखने की बजाय सिर्फ आर भी लिख देते हैं. एफ बिलोंग्स टू आर मतलब रीमान इंटीग्रेबल हो गया. जहां पर ये क्लियर हो कि किस इंटरवल की बात कर रहे हैं तो वहां इंटरवल लिखने की जरूरत नहीं है.